और नकुल पूछते हैं कि सन ऑफ सरदार को अगर दिल्ली की लड़की पटानी हो तो किस तरह से पटाएगा? दिल्ली की लड़की, नॉट लाइक मुंबई की लड़की. सरदारों का अपना स्टाइल होता है यार, अपने स्टाइल से पटा लो लड़कियां, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. जैसे कि क्रीम लगाती है या साबुन से नहाती है. ओके, सो कोई एक टिप अगर नकुल को देनी हो तो दिल्ली की लड़की पटाने के लिए? क्योंकि मेरी आंखें आपकी आंखों की तरह नहीं है तो ना वो हो नहीं पाएगा मुझसे. I think confidence रखो यार, जाके सीधा लड़की को बोल दो, अगर मान गई तो ठीक है वरना फिर move on. Next. अगला सवाल है हरप्रीत का, ये जाना चाहते हैं कि आप मूवी में एक सरदार का कैरेक्टर निभा रहे हैं, कभी ऐसा नजर नहीं आया कि हिंदी सिनेमा में किसी भी सरदार ने एज ए लीड एक्टर अपनी जगह बनाई है? Why is it happening? मतलब ऐसा क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? क्या आज तक ऐसा हुआ नहीं है? हाँ. नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरदारों पे फिल्में बनी. आई थिंक यमला पगला भी आई थी और मैंने एक फिल्म की थी भगत सिंह. नो सरदार है, कोई सरदार हीरो नहीं. ओके, I don't know, but I think there is some kind of limitation हो जाती है, because you can't play a lot of characters then. शायद that must be the reason. तो उसके अलावा तो कोई और रीजन हो ही नहीं सकता, because I think most of the actors जो कि पुराने जितने भी एक्टर्स हैं सारे, most of the half of the industry is full of Punjabis. Punjabis, सही बात है. दानिश जानना चाहते हैं कि आपने काफी टाइम तक सिंगल हीरो मूवीज करी, मतलब we've seen you as that one guy जिसके ऊपर अजय देवगन को देखने जा रहे हैं बड़े पर्दे पे बाइक से छलांग लगाएगा हाय राम, but of lately आप ये ensemble cast क्यों कर रहे हो? स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट ऐसी पसंद आ जाती है जिसके अंदर आपका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म बहुत चलेगी, फिर उसमें जितने ज़्यादा लोग हों उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो यू डोंट रियली डोंट माइंड इट नाउ, जैसे हम लोग ऐसे really. हम भी अकेले कर लें भाई सब लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक अकेले भी करते हैं और अलग भी करते हैं और हर किस्म की फिल्में करते हैं. मिल बांट के खा लो भाईचारे में. अगला सवाल नीरजा का है, ये कहते हैं कि आपको वैसे नॉर्मली भी देखा गया ज्यादा सोशल इवेंट्स में आप बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते नहीं है, सोशलाइजिंग पसंद नहीं है या आप अलग तरीके से एंजॉय करते हैं? मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ सोशल इवेंट्स में. आई वुड प्रेफर टू बी विद पीपल हु आई एम वेरी कंफर्टेबल विद, इन द सेंस माय फैमिली माय फ्रेंड्स. तो मेरा जब when I want to unwind also it's only with my friends where I can be myself, relax. So that's how I am, I think. वीना यहाँ पे आप रिलैक्स मारो, दुनिया खबर छाप दे ये हो रहा था अजय देवगन ये कर रहे थे रिलैक्स करने के लिए, तो वही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं. ओके, सो शिखा कहती है कि काजोल योर वाइफ इज बेस्ट फ्रेंड्स विद शाहरुख खान एंड यू नो एंड योर इक्वेशन एंड एसआरके इज द इक्वेशन राइट नाउ, किस लेवल पे है? आर यू फ्रेंड्स, आर यू अक्वेंटेंसेस? और आई वुडंट कॉल आवरसेल्व्स फ्रेंड्स बट नॉट इवन अक्वेंटेंसेस, मोर देन अक्वेंटेंसेस, वी आर गुड विद ईच अदर एंड इट हैज सो हैपेंड दैट वी डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद ईच अदर और व्हेनेवर वी मीट वी आर वेरी नाइस टू ईच अदर एंड दैट्स दैट. डू यू थिंक दैट ही इज अ हेल्दी कंपटीशन फॉर यू और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ कंपटीशन? आई डोंट थिंक, सी देयर इज एनी कंपटीशन बिकॉज़ एवरीबॉडीज फिल्म्स रिलीज एंड एवरीबॉडीज फिल्म्स डू वेल एंड दिवाली तो ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे हर साल दो दो फिल्में आई हैं और 99% दोनों फिल्में चली हैं. सो आई डोंट एंड देयर आर टू डिफरेंट फिल्म्स ऑल टुगेदर. वही, दैट्स व्हाट वी वर आस्किंग बिकॉज़ अभी ऑडियंसेस आर लाइक अरे यार एक यशराज वाली शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है और अजय देवगन भी आ रहे हैं पिक्चर में, कैसे जाएंगे हम देखने के लिए, वीकेंड कैसे बांटेंगे, तो व्हाई डिडंट यू कंसीडर मूविंग द डेट? No, because that's the best period for the release and आप मेरी सलाह ये होगी कि दोनों देखिए. Perfect, तो यानी 100 करोड़ ये भी cross कर ही जाएगी मुझे लगता है. Let's hope. Exactly, तकरीबन यही सवाल है छवि के, जानना चाहते हैं कि सन ऑफ सरदार बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करती नजर आ रही है आपको? देखिए, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड ऑल्सो, कीपिंग द पीरियड इन माइंड ऑल्सो, आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनर और ऐसा नहीं है कि सेंसलेस कॉमेडी है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के. तो आई थिंक इट्स अ क्लीन फैमिली फिल्म जो कि आई थिंक दिवाली में लोगों को they prefer watching with families and you know and be happy and get entertained. So I can see my film doing very good business. Do you think that ye 100 crore ka notion hai sirf janta ke dimag mein? Yaar ye 100 crore bahut takleef de raha hai logon ko, because हम लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है, बिकॉज आपकी फिल्म चल भी जाती है तो अगर 99 कर दे तो लोग बोलते 100 नहीं किया, बट फिल्म तो चली है. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एज 100 करोड़. आई थिंक 100 करोड़ जो लोग बात करते हैं वो कम लगने लगेगा कुछ.
महीनों में. हाँ, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं. हाँ, सही बात है. तो उस हिसाब से फिर एवरीथिंग विल गो ऑन. ओह, बाय द वे, दैट रिमाइंड्स मी, वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्स जिसके पास एक प्राइवेट जेट है घूमने फिरने के लिए. जी बिल्कुल नहीं है मेरे पास. क्या बात कर रहे हैं, सब जगह छपा हुआ है. नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे पास. आप ये सिर्फ इनकम टैक्स की रेट से बचने के लिए. नहीं नहीं, इनकम टैक्स से कैसे बचूंगा मैं बाबा, अगर होता तो सबसे पहले दिखाना पड़ता है. इज इट ट्रू? नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू. अच्छा अजय, ऐसा होता है कि दीस डेज व्हेनेवर यू लुक एट द ट्रेंड्स कि मूवी रिलीज होने वाली है तो उससे पहले कुछ कंट्रोवर्सी होती है, सो व्हाई इज लाइक, क्या फिल्म मेकर्स इस तरीके से कुछ कर नहीं सकते हैं कि दे डोंट अट्रैक्ट दैट मच कंट्रोवर्सी? कुछ ना कुछ होता ही रहता है. कुछ नहीं किया जा सकता. लाइक आई वाज टोल्ड इवन इन ओ माय गॉड, काफी सेंटर्स में फिल्म रिलीज नहीं हुई, पंजाब में या कहीं वाराणसी वगैरह में भी बैन हो गई. तो और फिल्म में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं. तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि अगर कोर्ट भी अलाउ कर देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अलाउ कर देता है तो थिएटर ओनर डर जाते हैं कि यार कोई पत्थर ना फक्के चला जाए हमारे थिएटर में. सो आई थिंक वो है एक प्रॉब्लम. बिकॉज आप लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उस मूवी में लगा रहे हैं, सो लोगों को नुकसान होता है, और बहुत नुकसान होता है. और ऐसा नहीं है कि कोई किसी का मजाक उड़ाने के लिए फिल्म बनाता है. सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड बड़े ध्यान से देख के फिल्म को क्लियर करती है, और दे डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल देमसेल्व्स. एंड आई थिंक बहुत दिमाग वाले लोग हैं यार, ऐसे थोड़ी है, काफी इंटेलिजेंट लोगों के आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग साइट. और हर इंसान को हक है ना अपनी डिसीजन लेने का कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. अगर अगर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा और कोई एक बंदा खड़ा हो जाए और बोले नहीं ये तो हर्ट कर रहा है, तो दैट कैन नॉट बी इट. अच्छा, ऐसा कौन सा ट्रेट है सोनाक्षी में जो देख के जैसे लगता है कि हाँ ये तो शॉटगन साहब की बेटी है भैया, वही हो सकती है? पता नहीं, हमने उससे एक डायलॉग तो बुलवाया फिल्म में, शायद वो हो सकता है जहाँ वो किसी पे चिल्लाती है खामोश. अरे बाप रे. अच्छा, बट देन उनकी पर्सनालिटी से लगता है कि वो एक स्टार किड है, बिकॉज़ यू नो एवरीबॉडी सेज शी इज वेरी डाउन टू अर्थ. शी इज वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ. बट हर फादर इज आल्सो लाइक दिस, ही इज आल्सो सच अ सिंपल मैन. There's another question. Ronit जानना चाहते हैं कि आप और काजोल perfect couple लगते हैं, लेकिन Bollywood में वो कौन सी actress है जो आपको लगती है कि on screen आपके साथ perfect couple है? I don't know. ओहो, किसी कोशार का नाम नहीं लेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. But I'm thinking, you know, when you start thinking, आप सोचते हैं कि it becomes character to character. But अगर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मैं comfortable किसके साथ हूँ, I would say Bebo, करीना.